गाइस हम पी रहे हैं चाय का आनंद ले रहे हैं। हम ये लेके आए इनके लिए चाय बना के, देखो देख रहे हो। ओम श्री वरदाय, हर हर महादेव, ओम श्री वरदाय। सही, मिठाई भी साथ में, मिठाई तो का। ये देखो ये धन वर्षा और ये धन वर्षा फुल मजे में इंद्रियता। हम अभी यहाँ पर ये जो बहुत ये क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाले व्यक्ति, बहुत खास व्यक्ति, और ये देखो आप ये बरसात नहीं है, बरस रहा है। महादेव का जटा से सही बात। ये हो रही है धन वर्षा। कितना धन चाहिए वो सोच लो इस वक्त, और संकल्प कर लो वो तुम्हारे पास आने लग जाएगा। क्योंकि धन पहले मन में होना चाहिए, तभी बाहर से तुमको मिलेगा। तुम्हारे मन में धन नहीं होगा तो धन नहीं आ सकता है। ये है मनी रेन, इन्जॉय द मनी रेन विथ मी। और ये देखो ये भी मजे कर रहे हैं, और ये सरनाम जी भी फुल मजे कर रहे हैं। सुनील उपाध्याय गाइस, इस वक्त हुआ है 4:16 और अभी हम निकले हैं, देखो बारिश को मजे लेने के लिए, बारिश के मजे लेने के लिए। अभी फिलहाल हम कहीं पर देखेंगे जहाँ पर मक्की मिल रही होगी ना, अमेरिकन कॉर्न, तो गरम गरम अभी वो खाएंगे। तो अभी हम फिलहाल हम बैठे थे घर पे, तो हमने कहा जरा ये बारिश का जरा आनंद लिया जाए, तो अभी हम इसलिए निकले हैं गाड़ी में। ये राजेश भाई मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं, और अभी हम देखें अभी फिलहाल क्या क्या करते हैं। फिलहाल तो अभी हम देखेंगे मक्की कहीं पर मिलती तो मक्के खाते हैं। दोस्तों कभी भी जब बारिश होती है तो आप बारिश को होते हुए देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? तो मैंने तो NLP की एक एंकरिंग की है, जब भी बारिश होती है जिनकी भी मैं कंसल्टिंग करता हूँ उनको एक बात पता है कि बारिश का मतलब होता है हमारे लिए मनी रेन, जिसे हम बोलते हैं धन वर्षा। ये जो बाहर बारिश हो रही है ये धन वर्षा है, मनी रेन है। क्योंकि आप जानते हो कि अभी जो भी किसानों ने चावल की खेती की होगी उसके लिए बारिश की बहुत ही ज़रूरत है, और बारिश जो है वो प्रॉस्पेरिटी का भी कारक है। मगर कोई भी चीज़ की अति जीवन में हमारा विनाश का कारण बनती है, इसीलिए चाणक्य बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि कोई भी चीज़ में अति पे आप लगाम लगाओ। और ये देखो आप बारिश कितनी ज़बरदस्त चल रही है। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं, ये कैनाल है, यहाँ से ही हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर है वहाँ पर संडे को जाते हैं, आपने हमारे ब्लॉग देखे होंगे। और यहाँ पर अभी हम आए, हमको अमेरिकन कॉर्न अभी तक फिलहाल मिला नहीं है। अभी यहाँ पर एक जो है ना मडुली है, मडुली मतलब बाबा सीताराम की मडुली, आज तक मैं वहाँ पर कभी गया नहीं हूँ। वहाँ पर हम बैठेंगे अभी थोड़ी देर, आगे जाके लेफ्ट साइड पर कहीं पर है मुझे भी नहीं पता, अभी वहाँ पर चलते हैं। और ये देखो ये कैनाल, देखो कैनाल में पानी कैसे, और हरियाली देखो कितनी जोरदार हो गई है। बारिश के बाद आपकी एनर्जी बहुत हाई एनर्जी में आ जाती होगी, आप है ना बहुत एनर्जेटिक फील करते होगे। मुझे तो बारिश के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपको कैसी फीलिंग आती है ना बारिश के बाद आप नीचे कमेंट करना। मेरे को जब भी बारिश आती है ना, मेरे को बारिश से या नेचर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती रहता है हमेशा। जैसे उगते हुए सूरज से मोटिवेशन मिलता है, बारिश से मोटिवेशन मिलता है, और बादलों से भी मोटिवेशन मिलता है, आकाश से मोटिवेशन मिलता है। आपको मोटिवेशन किससे मिलता है नीचे कमेंट करना। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं मडुली में, बाबा सीताराम की मडुली में, आपको दिखाएंगे। साइड पे लोहे का जो है ना झंडे टाइप का बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ से लेफ्ट साइड जाना है, यहाँ पर ही बाबा सीताराम की मडुली है। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको बाबा सीताराम के बारे में आपको पता ही होगा। ये दिख रहा है, लिखा ना बाबा सीताराम, लिखा है मडुली, लिखा ना बाबा सीताराम मडुली। ये अभी हम आ चुके हैं कैनाल के पास जो है ना, ये देखो कैनाल है। अब आप देखो कैसा लग रहा है यहाँ पर ही बाबा सीताराम की मडुली, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। कहाँ पर है ये मडुली, ये बात दिख रही है कहीं पर यहाँ पर?
तो पुल से दोस्तों हम सीधा सीधा जा रहे हैं, देखो कितना जबरदस्त है, दोनों साइड पे हरियाली और बीच में रोड। मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, अब भी जा रहे हैं पहली बार ही। और ये देखो आप, अब ये मडोली कहाँ है अभी जरा हम देखें, हम मडोली में बैठेंगे मस्त, क्या पता हमको वहाँ पर चाय मिल जाए। बाबा सीताराम ये रहा, एरो मारा है ना अभी। मैं अक्सर दोस्तों ऐसे ही जगह की तलाश करते रहता हूँ जहाँ पर शांति हो और हरियाली हो। यही है क्या रास्ता? यही है गाड़ी यहाँ पार्क करने के लिए, यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए, यही मडोली है। नहीं तो मंदिर है, मडोली नहीं है ना, यही मंदिर है, मडोली कच्चा रास्ता है। मैं अक्सर दोस्तों ऐसी जगहों की तलाश करता हूँ जहाँ पे हरियाली और नेचर हो, क्योंकि मुझे वहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है नेचर के, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ तो मेरे को पहले से ही है ना, मैं प्रकृति से बहुत ही प्रेम है मुझे। आज मैं पहली बार ये मडोली आ रहा हूँ, बहुत टाइम से मेरा विचार चल रहा था ये मडोली कहाँ पर है, हम जरा देखें। अभी दोस्तों 5 बज चुका है, हमको मडोली मिली नहीं, और यहाँ पर क्योंकि पानी वाला रास्ता है पूरा, ये देखो ये पूरा पानी वाला रास्ता है, तो रिस्की है, तो इसलिए हम फिलहाल वापस लौट चुके हैं। अभी हम बाहर यहाँ से निकल रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर पक्षी आपको दिख रहे हैं, पक्षी पक्षी जोरदार, ये देखो बतख, बगुले क्या ये बगुले, देखो ये बगुले। हरियाली पूरी जोरदार हो चुकी है और काफ़ी मज़ा आ चुका है। अभी दोस्तों वो बारिश तो बंद हो चुकी है, अभी हम देखते हैं कुछ, या तो गरम गरम अदरक वाली चाय पीते हैं, या तो अमेरिकन कॉर्न खाएंगे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से भी बाहर निकलते हैं, इस रोड से, ये सर ये कैनाल वाला रोड है, और इसी रोड से हम हर संडे को हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर जाते हैं ध्यान करने के लिए। और अभी चला रहे हैं राजेश भाई, और अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, और ये आप देखो यहाँ का नज़ारा। ये देखो इन कलाकारों को देखो, प्रेमी पंखुड़ियों को। सिग्नल लगा देने बात खत्म हो गई। अभी दोस्तों 6 बज चुका है, अभी हम रिवर फ्रंट से जा रहे हैं मार्केट में, हम मार्केट का काम है, 4-व्हीलर हमने घर पे रख दी, हमने फिलहाल कुछ खाया नहीं है, वहाँ पर शायद मार्केट में कुछ गरम गरम चीज़ खाएंगे। अभी फिलहाल ये पीछे जो देख रहे हैं ये सारा रिवर फ्रंट है, और ये राजेश भाई हैं, बहुत मज़ा आ गया, मौसम हो चुका है ठंडा, वापस लगता है बारिश आने वाली है।
कैसे लगे आपको? जोरदार है ना, मस्त। कैसे लगे दाल वड़े? खाने में इतना आनंद आया ना, बहुत टाइम बाद हमने रमेश को दाल वड़ा खाया। ये माड़ा की कोई चाय वाले है ना, उसके यहाँ पर कमिश्नर के पीछे। दोस्तों अभी 8:10 हो चुका है, अभी हमारा सब काम कंप्लीट हो चुका है। इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। राजेश भाई भी अपने घर जाएंगे, फिर हम कल मिलेंगे डेढ़ मंदिर में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।